हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी भाषा का महत्व। भारत में 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के विधानसभा द्वारा आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को ही भारत के घटक विधानसभा द्वारा हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर मनाया गया। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में छात्रों तथा स्टाफ को हमारी राष्ट्रीय भाषा का महत्व बताया जाता है। इस दिन विभिन्न हिंदी कहानियाँ, लेखन, कविताएं और बच्चों द्वारा मजेदार हिंदी नाटकों का आयोजन किया जाता है। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आधुनिक युग में भी लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को याद दिलाया जाता है। हिंदी दिवस पर लोगों के दिलों में देशभक्ति भी जागृत होती है। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वृधा के अनुरोध पर हिंदी को वर्ष 1953 से पूरे भारत में लागू किया गया, जिसके बाद से ही 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ चुके राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन 14 सितंबर 1949 को था, जिस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि उन्होंने इसे राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित करने के लिए काका मैथिली शरण गुप्ता, कालेलकर, हाजरी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास जैसे कई साहित्यकारों के साथ लेकर भरपूर प्रयास किया था। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हिंदी भाषा को कई देशों में तो बोला ही जाता है, लेकिन अबू धाबी इसे विशेष रूप से न्यायालय द्वारा तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को देश भर में मनाया जाता है। दरअसल वर्ष 1949 में विधानसभा ने एक मत होकर इसे भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के बाद यह तय किया गया था कि इसे हर क्षेत्र में प्रसारित किया जाएगा। हम भारतीय सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान। हम भारतीय सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान, पर हिंदी ही है हमारी पहचान, पर हिंदी ही है हमारी पहचान। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों को हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ये सब भ्राता हैं, है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है।